अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सारी नौकरानी जी चलते हैं। करीशी ने हमें सॉरी बोला और इतनी जल्दबाजी में कहाँ चली गई? घबराई हुई भी लग रही थी। चक्कर क्या है? यजमान, कुंडली लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? प्रभा, ये सुजाता कुंडली लेकर क्यों नहीं आई अभी तक? और ये कली कहाँ है? इसने कुछ खाना पीना क्यों नहीं बनाया अभी तक? सब लोग है कहाँ? जी वो बोझ मैं देख कर आता हूँ, अभी आया। मैं गोलू को बुला कर लाता हूँ, आते हैं पंडित जी 2 मिनट। राधिका कुंडली दी कि नहीं? भाभी, हाँ कुंडली आई कि नहीं? हाँ आई है ना, बैग में ले लो। कहाँ है कुंडली? यही पर तो थी। माँ जी, वो दादी जी नीचे बुला रही है। राधिका, भाभी ने कुंडली घुमा दी। क्या? नहीं, 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 मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ से हिली तक नहीं। सारी नौकरानी जी चलते हैं। ये कुंडली कली जी ने गायब की है। अभी हमसे बाहर टकराई, जबकि उनको तो पंडित जी के खाने पीने की व्यवस्था करनी थी ना। और हाँ, आज पहली बार टकराने के बाद उन्होंने हमें फटकारा नहीं, सॉरी बोला था। हे प्रभु, अब क्या होगा? हमारे मुन्ना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ जी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं जाके सबको बताती हूँ। कली के हाथ नकली कुंडली लग गई, मैं अब भी जाके बता देती हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, अब आएगा दुगना मजा। कल भी है बड़ी चंड, मेरी पलक झपकी नहीं कि उसने कांड कर दिया। कुंडली कली के हाथ लग गई, लेकिन कैसे? और कविता हाथ दे तुम्हारी, तब तुम एक एक कुंडली नहीं संभाल पाती तुम। आप तो चुप रहिए। और पता है मम्मी जी, ये कली जो है ना बहुत चालू है। ये सारी ना राधिका की गलती है, इसे कुंडली हमारे हाथ में देनी चाहिए थी। मुन्ना, देख लिया अपनी बीवी की लापरवाही का नतीजा? अब मत कहना हमसे कि हमने इसका साथ नहीं दिया। हमने तो शादी रोकने की बहुत कोशिश की। माँ जी, लेकिन कली जी के हाथों में तो नकली कुंडली लगी है ना? नकली कुंडली तो अभी भी हमारे पास है। हाँ तो उसमें दिक्कत क्या थी? अगर कली ने नकली कुंडली बड़ी दादी को दे भी दी तो उसने तो हमारा ही काम आसान किया ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कली को कुंडली के बारे में पता कैसे चला? हाँ दादी जी, हमें तो लगता है ना कि कली जी को दिव्यम जी और हमारे रिश्ते के बारे में शक हो गया है। शक है ना, इसको यकीन में बदल देते हैं सबके सामने। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अब आप लोगों से कि प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दादी, बड़ी दादी को जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं कि मैं और राधिका शादीशुदाएं, खत्म करते हैं ये नाटक अब। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने
इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? इस झूठ ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मालकिन वो बस तुम दूर रहो। और प्रभा तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कविता, सुजाता, तुम लोगों को तो हम बहू बनाकर लाए थे इस घर में, और तुम दोनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? बुआ जी, 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 बड़ी दादी। नहीं 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 दिव्यम जी, आप बड़ी दादी को सच नहीं बता सकते। हमने अभी अभी सपना देखा है कि आपने बड़ी दादी को पूरा सच बता दिया और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। ब्रज ताऊ जी, आप भी ना। राधिका, क्या कर रही हो तुम? खड़े खड़े खुली आंखों से सपने देख रहे हो क्या? नहीं नहीं दिव्यम जी, हम सच बोल रहे हैं, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। नहीं नहीं मुन्ना, राधिका सही कह रही है, कभी कभी ऐसी बातें सच हो जाती हैं, इसे मनोआभास कहते हैं। माँ, आप जिसे मनोआभास कह रही है ना, साइंस उसे पागलपन कहता है। प्लान क्या है अब? कुंडली लग गई है उस कली के हाथ में, तो अब वो करेगी भी क्या उसका? इस कुंडली का रंग तो कुछ अलग है, शायद यही नकली कुंडली है, इसी का काम तमाम कर देते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कली जी को अगर हम पर शक है तो वो चुप क्यों है, उनके मन में क्या चल रहा है? नकली कुंडली को जलाएंगे तो असली कुंडली तो बाहर आएगी ही, और फिर तब दिव्यम जी और हमारे रिश्ते के बीच कोई नहीं आ सकता। दादी जी, हमें तो लगता है जब हम नकली कुंडली के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कली जी ने सब कुछ सुन लिया है। क्या भाभी, आपकी नाक के नीचे से वो कली इस झोले में से कुंडली चुरा कर चली गई? एक मिनट माँ, ये बैग में इतना बड़ा छेद है। छेद? अरे हाँ, इसमें तो इतना बड़ा छेद है। पापा, ये लो। अरे इसमें तो इतना बड़ा छेद है, कुंडली तो क्या, कोई भी सामान गिर जाएगा। और गोलू बेटा, तूने भी चेक नहीं किया, ये देख। चाचा जी, ये तब तो था नहीं। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं जब तुम ये झोले में कुंडली लेकर के कमरे में आ रही थी तो तुमसे ही कहीं गिर गई होगी? नहीं नहीं माँ जी, जब हमने ये कुंडली वाला झोला लाके ताई जी को दिया था ना, तब इसमें कोई छेद नहीं था। राधिका, आजकल खुली आंखों से सपने देख रही हो तुम, हो सकता है कि बैग में पहले से ही छेद था, तुमने देखा नहीं और कुंडली गिर गई उसमें से। कली को अगर सच पता भी है तो उसने अभी तक किसी को कुछ कहा क्यों नहीं, और कुंडली अगर उसके हाथ लग भी गई है तो उसका करेगी क्या? मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।